अब खबर विस्तार से। योगा में नाम कमाने की चाहत रखने वाली नन्नी निधि डोगरा ने हमीरपुर का नाम रोशन किया है। हमीरपुर के चोरी गांव की रहने वाली निधि डोगरा ने 9 से 17 जुलाई के बीच हुई किसमें कितना है दम रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में विजेता रही हैं और विजेता रहने पर निधि को 5,000 रुपए इनाम ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मिला है। ग्रैंड फिनाले जीतने पर परिवार जनों में बेहद खुशी है। योगा में नाम कमाने की चाहत रखने वाली नन्ही निधि डोगरा ने हमीरपुर का नाम रोशन किया है। किसमें कितना है दम रियलिटी शो सीजन 4 में योगा में विजेता बनी है। हमीरपुर के चोरी गांव की रहने वाली निधि डोगरा ने 9 से 17 जुलाई के बीच हुई किसमें कितना है दम रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में विजेता रही है और विजेता रहने पर निधि को 5,000 रुपये इनाम ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मिला है। ग्रैंड फिनाले जीतने पर परिवारजनों में बेहद खुशी है और परिवारजनों ने मिठाई खिलाकर निधि डोगरा को बधाई दी। आपको बता दें कि निधि डोगरा हमीरपुर जिला के चोरी की रहने वाली हैं और निजी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती हैं। निधि के पिता शशि कुमार जो कि एक सरकारी स्कूल में शारीरिक अध्यापक हैं तो माता कुशल गृहिणी हैं। पंजाब के लुधियाना में हुए रियलिटी शो में कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। निधि डोगरा कठिन से कठिन आसनों को भी चुटकी में कर लेती है जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है और इससे पहले निधि डोगरा कई प्रतियोगिताओं में अपनी मेहनता का लोहा मनवा चुकी है। निधि डोगरा ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि ग्रैंड फिनाले में जीतने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि पहले सेमीफाइनल खरड़ में हुआ था और अब लुधियाना में ग्रैंड फिनाले में पहले नंबर पर रही हूं। उन्होंने बताया कि पापा के सिखाने के बाद ही आज ये सब संभव हो पाया है। निधि ने बताया कि मेरी तमन्ना है कि आगे चलकर राष्ट्र स्तर पर पूरे हमीरपुर और हिमाचल का नाम रोशन करूं। पहले मैंने सेमीफाइनल खरड़ हुआ था, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर मेरा ग्रैंड फाइनल अभी लुधियाना में हुआ है, वहाँ पे मैं विनर हुई हूँ और योगा कैटेगरी में फर्स्ट आई हूँ। योगा पहले मुझे मेरे पापा ही सिखाते थे। इससे पहले घर में इसका कोई माहौल नहीं था, पापा स्कूल में ही सिखाते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो पापा ने मुझे योगा सिखाना शुरू किया। योगा का बहुत फ़ायदा है, इससे मैं बहुत से बड़े कंपटीशन करती हूँ और इसके बाद भी मैं बड़े से बड़े कंपटीशन करूँगी। मेरी अगली तैयारी हिमाचल गॉट टैलेंट के लिए कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं योगा में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तरीय में पार्टिसिपेट करके मैं विनर रहना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने हिमाचल और हमीरपुर का नाम रोशन कर सकूँ। निधि डोगरा के पिता शशि कुमार ने बताया कि बेटी के ग्रैंड फिनाले में जीतने पर बहुत ही खुशी हुई है और पिता के साथ साथ कोच होने के नाते चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही नाम कमाती रहे। सर, मैं एक पापा की तरफ से ये बोलूं कि ग्रैंड फाइनल इसने जीत लिया है, मुझे बहुत खुशी है। और क्योंकि इस बेटी का कोच भी मैं ही हूं, तो एक कोच के नाते मैं चाहता हूं कि बेटी इसी तरह बुलंदियां हासिल करती रहे, हमीरपुर का नाम, हिमाचल प्रदेश का नाम और अगर भगवान ने मौका दिया तो इंडिया का नाम जो है वो रोशन करे। और इसकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार जारी है और ये आगे भी कई प्रकार की इसी तरह रियलिटी शोज़ की तैयारी जो है वो कर रही है। निधि के दादा करमचंद का कहना है कि योगा में पोती की कामयाबी पर बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि जब सेमीफाइनल जीती थी तो तभी उम्मीद थी कि फाइनल भी जीतेगी और आज फाइनल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारी बेटी मेरी पोती जैसे कि पिछले बार हमने चैनल से बात किया था कि ये सेमीफाइनल जीत के आई है और फाइनल में जा रही है और वहाँ भी हमारे को ये उम्मीद है, क्योंकि दिख रहा था हमारे को इसके मेहनत से, इसके टैलेंट से दिख रहा था कि ये फाइनल भी जीत के आएगी। किसमें कितना है दम, तो ये बेटी ये करके आई है, जीत के आई है, विनर होके आई है। इसने इलाका का, अपने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का, हिमाचल प्रदेश और देश का नाम जो है वो रोशन किया है और आगे भी हमारा जो प्रयास है, इस बेटी की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और देश के लिए और भी आयाम, नए आयाम जो है वो जोड़ेगी ये बच्ची। और हम ये कहेंगे बच्चों को कि टीवी और मोबाइल भी ठीक है, देखिए अच्छी बातें हैं,
लेकिन चिपके नहीं रहना है, ज़्यादातर मेहनत करनी है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना है ताकि देश के एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही किसी राष्ट्र की पहचान जो है वो दुनिया में होती है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा, बच्ची को हमारा सपोर्ट रहेगा कि ये लगातार मेहनत करती रहेगी और हम इसकी मदद करते रहेंगे ताकि देश का नाम जो है वो ये रोशन करे। निधि की माता निशा कुमारी ने बताया कि निधि के सेमीफाइनल से ही उम्मीद थी कि फाइनल भी जीतेगी और आज योगा में विजेता बनकर निधि ने पूरे हमीरपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी पर पूरा गर्व है। सर, मेरी बेटी 10 साल की है और इसका सेमीफाइनल खरड़ चंडीगढ़ में हुआ था और हमें वहीं से उम्मीद थी और इसकी मेहनत पे पूरा विश्वास था कि ये फाइनल भी जीतेगी। तो इसने फाइनल जीतकर हमारे गांव का ही नहीं, हमारे ज़िले का और साथ में पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। और हमारी बेस्ट विशेज इसके साथ हैं कि ये आगे चलकर और भी उन्नति करेगी। लेकिन बात यह है कि बेटियां भी नाम रोशन कर सकती हैं कि उसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनका पूरा सपोर्ट जो है वो बच्चों को चाहिए होता है। अगर हम पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्चियों को पूरा स्पेस देंगे, उनका साथ देंगे और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनका साथ देंगे तो वो निडर होकर समाज का सामना जो है वो कर सकती हैं।